आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज। मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा में कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने चुनावों के मात्र 6 महीने पहले ही कई स्वास्थ्य संस्थान खोल दिए, जिनमें डॉक्टर नर्स की व्यवस्था भी पूर्व सरकार ढंग से नहीं कर पाई। 125 यूनिट बिजली मुफ्त तथा मुफ्त पानी भी पूर्व सरकार ने चुनाव के मुद्दे नज़र ही किया, पर चुनावों के परिणामों में जनता ने कांग्रेस को जिताकर यह साबित कर दिया कि उन्हें कुछ भी मुफ्त नहीं चाहिए, वरन उन्हें एक क्वालिटी सरकार चाहिए जो प्रदेश को ढंग से संभाल पाए। और क्या कुछ उन्होंने कहा, ये सुनते हैं। जुड़ा हुआ है और पिछली सरकार की जो वित्तीय कुप्रबंधन है उससे भी जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नवंबर में चुनाव होने थे, अप्रैल 2022 में 125 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी गई। मतलब चुनाव जीतने के लिए 6 महीने पहले ये घोषणा कर दी गई। उसके बाद बिजली से संबंधित फ्री बीज की जो बात कर रहे हैं, बहुत गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं, इनसे पूछना चाहिए। पानी भी माफ कर दिया, बिजली माफ, पानी माफ, और भी क्या क्या माफ किया हिमाचल की जनता ने 11 दिसंबर 2022 में कांग्रेस की सरकार पाई। उनका कहने का मकसद ये था, जनता ने जब वर्डिक्ट दिया कि हमें कुछ भी मुफ्त में नहीं चाहिए पर हमें क्वालिटी चाहिए, आज क्वालिटी के क्षेत्र में क्वालिटी लाइट नहीं हम दे पा रहे, क्वालिटी फूड में नहीं दे पा रहे, क्वालिटी हेल्थ सर्विस नहीं दे पा रही, क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1000 प्राइमरी स्कूल खोल दिए, उसमें 300 के करीब तो ऐसे इंस्टीट्यूशन खोल दिए हेल्थ के कि डॉक्टर ही नहीं है, और ऐसे मेडिकल कॉलेज के हालात कर दिए, ऐसे पीएससी के हालात कर दिए कि एक डॉक्टर यहां से उठाया और एक स्टाफ नर्स वहां से उठाई, और पूरे दूसरे जो हमने इतने वर्षों में स्ट्रेंथनिंग की थी वो भी चरमरा गई। और हमारी सरकार ने जब पाया कि अगर हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है तो समाज के सभी वर्गों का साथ चाहिए, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे अधिकारी है, चाहे 75 लाख हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या, इस दृष्टिकोण से हमने काम करना शुरू किया। और पहला स्टेप हमने हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जो मजबूत करने के लिए किया, वो कहा कि बिजली में जिसको जरूरत है, गरीब आदमी के पास जिसकी जेब में पैसा नहीं है, और अगर पैसा है तो बहुत कम पैसा है, उसको हिमाचल प्रदेश की सरकार पूरी सुविधाएं देगी। अब जब सब्सिडीज को हमने आकलन किया तो 14 प्रकार की सब्सिडी दी जाती है, इंडस्ट्रीज में अलग है, कमर्शियल में अलग है, लोड के हिसाब से अलग है, और कहा कि 125 यूनिट का क्या मतलब निकला, एक बिल्डिंग मेरी है उसमें मैंने 8 मीटर लगा दिए, 8 में 125 यूनिट कर दिए और 8 के 8 मीटर फ्री। हमने पहला ऐतिहासिक फैसला किया कि हम 1 मीटर 1 फैमिली को देंगे, कि एक फैमिली को हम 1 मीटर देंगे। अभी उस पर काम चल रहा है, मुझे प्रेजेंटेशन दी गई अधिकारियों द्वारा, हमने बैठकर देखा तो 14 प्रकार की सब्सिडी उसमें नजर आई। हमने कहा कि जो 5-स्टार होटल बनाते हैं, जो 5-5 करोड़ इनकम टैक्स देते हैं, जो 50-50 लाख इनकम टैक्स देते हैं कमर्शियल और नॉन कमर्शियल में, 1 सितंबर से, पिछले कल ही हमने फैसला किया, 1 सितंबर से जो सरकार के द्वारा 1 रुपया सब्सिडी दी जाती थी उसको हमने विड्रॉ कर लिया है। ये पहला स्टेप है। अभी हमने कोई 125 यूनिट बिजली को जो बीजेपी ने राजनीतिक तौर पर दी थी अभी उसको विड्रॉ नहीं किया गया। हम स्टेज बाई सारी चीज का अध्ययन करने के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें बिजली बोर्ड को भी आत्मनिर्भर बनाना है। बोर्ड कारपोरेशन के अपने फैसले होते हैं, अगर हम सही ढंग से आगे चलेंगे तो 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बन सकता, मैं कई बार कह चुका हूं। और उसमें जो हम सब्सिडियां दे रहे हैं, इस साल हमें
जो सब्सिडी देनी है बिजली बोर्ड को, अगर हमने सुधार नहीं किया तो 2200 करोड़ रुपया हमें उनको सब्सिडी देनी है। 2200 करोड़ रुपया कम नहीं होता।